अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में सोने जाता हूँ और तभी मुझे आता है एक सपना। इस ड्रीम ने मुझे बहुत ही अमेजिंग आइडिया दे दिया था। क्या हो अगर हम पुट करें एक एंटायर ओशियन को, वो भी नेदर में? लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक रिसर्च करी और इसके सारे डिटेल चेक करें तो मुझे पता चलता है कि माइनक्राफ्ट का कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जिसमें ग्लिच है कि हम लोग नेदर में पानी ला सकते हैं। तो फिर क्या, लगते हैं डायरेक्ट अपने ड्रीम को हम लोग पूरा करने के लिए। मैं आ चुका हूँ वर्जन 0.15.1 बीटा टेस्ट 1 में, यानी कि मेरे पीछे काफ़ी सारे चेस्ट होंगे जिसके अंदर सारे आइटम होंगे। इस वर्जन में हम लोग को सारे आइटम इन चेस्ट में मिल जाते हैं, यानी कि क्रिएटिव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से सिर्फ ज़रूरी का सामान लूँगा और यहाँ के चेस्ट में लेजिट मुझे मिल जाता है डायमंड ब्लॉक। तो यहाँ से पहले तो कर्सर मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कर्सर देख के काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। और यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ ये कुछ डायमंड्स के ब्लॉक्स और यहाँ से आयरन के भी ब्लॉक्स ले लेता हूँ। मैं आ चुका हूँ 0.15.1 में, यानी कि ये वही वर्जन है जिसमें मैं अपने ड्रीम को पूरा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारे सामान मेरे हैं जो कि मैं पिछले वाले वर्जन से लाया था, और अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस करनी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ और सारे टूल्स भी बना लेता हूँ। लेजिट मैं यहाँ डे 1 ही है और मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स भी आ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़े से एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि यहाँ पे हम लोग और भी सारे सामान कलेक्ट कर सकें और पूरे नेदर को फ्लड कर सकें। थोड़ी दूर जाता है फाइनली मुझे यहाँ एक विलेज मिल जाता है। लेजिट मेरा इतना अच्छा लग कभी नहीं था। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है लाइब्रेरियन का घर। तो यहाँ पे से मैं सारे बुक शेल्फ्स कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोगों को करनी थी इंचार्टमेंट। यहाँ पे एक घर पे मुझे मिल जाते हैं ऑब्सीडियन, तो यहाँ से मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग इंचार्टमेंट टेबल बना सकें। एक केव में मुझे मिल जाता है यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर, यानी कि अब हम लोग को एक्सपी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैंने उस स्पॉनर को डीएक्टिवेट किया और वहाँ के चेस्ट में मुझे मिल जाता है शार्पनेस 1 की बुक, और जो दूसरे वाली चेस्ट थी उसमें भी मुझे मिल जाती है फायर प्रोटेक्शन और एक शार्पनेस की बुक। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक एक्सपी फार्म और यहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ काफ़ी सारी एक्सपी। इस वाले वर्जन में हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग की कितनी एक्सपी है, आप लोग बस इसे सुनिए। मैं यहाँ पे एक चेस्ट बना के यहीं पर अपने सारे सामान को रख देता हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है और यहीं पर मैं अपना बेस भी बनाने वाला हूँ। मुझे चाहिए सिल्क टच की पिकैक्स, तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे काफ़ी सारे एक्सपी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक एन्चांटमेंट सेटअप और इसमें हम लोग एन्चांट करते हैं, लेकिन मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मेरी सिर्फ 14 एक्सपी है, यानी कि ये इनफ एक्सपी नहीं होने वाली है। तो मैं फिर से काफ़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट करने के लिए लग जाता हूँ। मेरे 30 एक्सपी होते ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मुझे पता चलता है कि मुझे पहले बार में ही सिल्क टच मिल जाता है। लेजिट मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस वाले वर्ल्ड में। उसके बाद मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीडियन कलेक्ट किया ताकि हम जा सकें नेदर में। और ऊपर साइड पे मुझे मिल जाता है काफ़ी सारा आइस, तो मैं यहाँ काफ़ी सारा आइस कलेक्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग को फ्लड करना था पूरा एंटायर नेदर को। तो हम चलते हैं ये देखने कि क्या सच में इस वाले वर्ल्ड में हम लोग नेदर में पानी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो मेरा पूरा ड्रीम सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड था। तो मैं सीधा नेदर में आ जाता हूँ और लेजिट मैं बिल्कुल गिरते गिरते बचता हूँ। यहाँ बगल में ही लावा पूल था। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया था आइस ब्लॉक और अब मैं चेक करने वाला था अपने ड्रीम को। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उस ब्लॉक को तोड़ता हूँ, और फाइनली ये ट्रिक काम कर रही थी, यानी कि हम लोग को अब नेदर को फ्लड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ काफ़ी सारा आइस कलेक्ट करने के लिए। मैंने काफ़ी देर तक आइस कलेक्ट किया और मेरे पास डबल चेस्ट भर के पूरी आइस हो चुकी थी। तो अब हम लोग को अपना काम चालू करना था। मैं आ चुका हूँ सीधा नेदर में और मुझे सबसे पहले तो सारे लावा को ऑब्सीडियन बनाना होगा ताकि हम लोग सारे एरिया को फिल कर सकें। और ये इतना बड़ा एरिया है, लेजिट में क्या ही बताऊँ। दो घंटे तक यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आइस को प्लेस किया और उसे ब्रेक किया। लेजिट ये करते करते मुझे 2 घंटे लग गए। लेजिट भाई साहब, माई लाइफ सक्स। अब मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, अगर हम लोग आइस को आसमान में फोड़ेंगे तो वो पानी नहीं देगा, सिर्फ वो ज़मीन पे ही देता है।
तो हम लोगों को पूरे एरिया में आइस फिर से बिछानी होगी। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करते हैं, और ये थाउजेंड्स हैं यानी कि इसमें ही 2 घंटा लगेगा। लेजिट भाई साहब। उसके बाद मैं कुछ स्ट्राइप्स बना लेता हूँ, यानी कि हम लोग को अब ओशियन फिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, फिर उस पूरे एरिया को आइस से भर देता हूँ। जैसे ही मैं उसे ब्रेक करूँगा, ये इस पूरे एरिया में मुझे ओशियन मिल जाएगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहीं पर सारे स्टेप के ऊपर आइस लगा दिया और उस पूरे आइस को ब्रेक करने में लग गया। और लेजिट आप लोग इस वाली आवाज़ को सुनिएगा। क्या आप लोग रेडी हैं उसे देखने के लिए? तो लेट्स गो। भाई साहब, इसे करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए हैं, लेकिन फाइनली मेरा यहाँ पे ड्रीम पूरा हो जाता है। मैं नेदर में वानी ले आता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ था। तो हम लोग को इसे लाना है 1.19 में, यानी लेटेस्ट वर्जन में, और इस पूरे एरिया को मुझे ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो मैं आ चुका हूँ वर्जन 1.19.51 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। और इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नेदर में चेक करने के लिए क्या सच में यहाँ पे पानी आया भी है या नहीं, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि गेम ग्लिच हो जाता है और हम लोग को जितना भी पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेदर में। मैं पुराने वाले वर्जन में कोऑर्डिनेट देखना भूल जाता हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं पता कि असल में मेरा ओशियन है किधर। तो मुझे उसे सर्च करना होगा, और फाइनली मैं काफ़ी देर से उसे सर्च कर रहा हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहा। लेजिट मैं 1 घंटे से उसे सर्च कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा। 1 सेकेंड। ओ भाई साहब, लेजिट गाइस, मैं इसके ऊपर से ही जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे पानी है। ये पानी इतना ज़्यादा ब्लैक लग रहा था कि यहाँ पे सोल सैंड्स लगे हुए हैं। अब मुझे फाइनली यहाँ पे मिल जाता है मेरा ओशियन, यानी कि हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ काफ़ी सारा सैंड इकट्ठा करने। फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी देर तक सैंड इकट्ठा किया, क्योंकि हम लोग को उस एरिया को बीच की तरह बनाना था। और ओशियन में सैंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला था। तो मैंने 2 शल्कर भर के सिर्फ और सिर्फ सैंड इकट्ठा कर लिया, और फिर उसके बाद मैं चलता हूँ डायरेक्ट नेदर में उसे प्लेस करने के लिए। और वो लेजिट इतना बड़ा एरिया है कि उसे प्लेस करने में ही मुझे 2 दिन निकल जाने वाला है। अब हम शुरू करते हैं अपने ओशियन में सैंड प्लेस करना। मैं सैंड की 1 लेयर प्लेस करने वाला हूँ, ताकि हम लोग उसके ऊपर बोन मिल करके यहाँ पे सी ग्रास उगा सकें और हम लोग का ओशियन देखने में अमेजिंग लगे। ओशियन के एजेस को मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ, ताकि वो देखने में काफ़ी नेचुरली लगे। और लेजिट मुझे यही चीज़ 200 टाइम्स करनी है। माई लाइफ सक्स। और फाइनली 18 घंटे की मेहनत के बाद मेरा पूरा एरिया सैंड से फिल हो जाता है। लेजिट भाई साहब, मेरा हाथ दुख रहा है, लेकिन क्या कर रहे, अपने ड्रीम को पूरा करना है तो हम लोगों को अपना लास्ट दम तक लगाना होगा। ये ओशियन काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बनाने लगता हूँ एक बड़ा सा आइलैंड, ताकि यहाँ पे मैं कुछ विलेजर्स और कुछ एनिमल्स को भी लेके आ सकूँ, ताकि ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाए और वो असल में ओवरवर्ल्ड की तरह लगे। और फाइनली मेरा बन जाता है यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड। फिलहाल वो डर्ट है, मैं इसे यहाँ पे ग्रास प्लेस कर दूंगा तो ये पूरा एरिया ग्रास में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ कुछ विलेजेस, कुछ रुइन पोर्टल और एक डॉक। और उसके बाद फाइनली ये पूरा एरिया ग्रीन ग्रीन हो चुका था। अब यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ कुछ घर। फाइनली हमारे विलेज का पहला घर बनके तैयार हो गया है, और वो यहाँ पे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यही चीज़ मुझे कई जगह भी बनानी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बनाया, क्योंकि जो विलेजर्स यहाँ पे आएंगे उन लोग यहाँ पे अब पहली बार फार्मिंग भी कर सकेंगे। लेजिट मैं नेदर में फार्मिंग करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे एरिया को बनाकर तैयार कर दिया। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूइन पोर्टल भी बनाया है, और उसके पीछे एक छोटा सा याच का एरिया बनाया है। यहाँ पे हम लोग अपने बोट को लेकर उस पूरे ओशियन में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने पूरे एरिया में बोन मिल मारा, ताकि यहाँ पे ग्रासेस उग जाएँ। फिर मैं पोर्टल को एक्टिवेट करके चला जाता हूँ सीधा ओवरवर्ल्ड में, ये देखने के लिए कि हमारा पोर्टल कहाँ खुलता है। और कुछ विलेजर्स को भी यहीं से मैं टेलीपोर्ट भी करने वाला हूँ। और ओवरवर्ल्ड में होने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा जो पोर्टल है वो एक्चुअली एक केव में निकला है। और फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ओ भाई साहब, ये तो आइस वाला एरिया है, यहाँ पे तो विलेज मिलना मुश्किल है। मुझे अपने पोर्टल के पास मिल चुका है एक रुइंड पोर्टल, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी इन्वेंटरी सिर्फ फालतू सामान से भरी पड़ी है, और यहाँ के चेस्ट में ऐसा कोई खास सामान है नहीं। तो फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। मैं पिछले 20 मिनट से इधर उधर टहल रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 सेकेंड, क्या ये इग्लू है?
ओ भाई साहब, मुझे यहाँ पे इग्लू मिल गया। यहाँ पे कुछ विलेजर्स तो रहते हैं, रुकिए मैं देखता हूँ। एक सेकंड। ओ भाई साहब, ये तो विलेज ही है। तो गाइस, यहाँ से हम लोग को अभी स्टार्ट करना है विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना। फिर उसके बाद मैं विलेजर को लेके निकल चुका हूँ अपने नेदर पोर्टल की तरफ, ताकि मैं उसे नेदर में लेके जा सकूँ। और विलेजर्स को उनका नया घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे मैं 3 विलेजर्स को लेके आया हूँ। तो फिलहाल तो मैं इन लोगों को हटा देता हूँ, नहीं तो ये नेदर पोर्टल से वापस ओवर वर्ल्ड में चले जाएंगे। फिर मैं यहाँ के नेदर पोर्टल को ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि ये लोग वापस से ओवर वर्ल्ड में ना चले जाएँ। फिर मैं कुछ एनिमल्स को भी लेके जाता हूँ नेदर में, क्योंकि बिना एनिमल्स के वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगेगा। और फाइनली यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा अंधेरा था, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉर्च लगा के उसका मॉस कारपेट लगा दिए, ताकि वो टॉर्च दिखे ना और वो रोशनी पूरी तरीके से दे। तो यही चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर किया। फिर मैंने पूरे ओशियन में इस बोन मिल मारा, क्योंकि ओशियन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, वो काफ़ी सूना सूना लग रहा था। तो मैंने पूरे ओशियन में यहाँ पर बोन मिल मारा, और यहाँ पर कोरल्स भी लगाएं, और अब ओशियन देखने में लेजिट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि हाँ, एक्चुअली में मैंने अपना ड्रीम को पूरा कर दिया है। तो मैं इन्हें यहाँ से देखता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे फिशेज भी मैंने डाल दिए थे, और ऊपर से देखने में हम लोगों का ये ओशियन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पर एक जो विलेज है, और इसके जो लाइटनिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसी तरीके से मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया। आप लोग भी अपना 100% दीजिए, और अपने हर ड्रीम को पूरा करिए। बस मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और एक सब्सक्राइब दीजिएगा, मेरा एक और ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।